नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी यानी कि शोएब भाई का, टाटा ग्रुप बिगर देन होल पाक इकोनॉमी, पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन पाक पब्लिक। अच्छा चलिए देखते हैं भाई क्या है इस वीडियो में। वो तो सब आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप जो है वो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है, उससे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी के मामले में उससे ज़्यादा पैसे आ गए हैं। चलिए लेट्स सी। ये बात। हेलो, हाय, आपका नाम? सिराज अहमद। कहाँ से आप? इंडिया। सिराज भाई इंडिया से। और आपका नाम सर? मेरा वसीम अहमद इंडिया से। वसीम अहमद इंडिया से। और कौन से सिटी, कौन सी स्टेट? मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का हूँ। जबरदस्त। जहाँ पे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे गोरखपुर के ही हैं। ठीक है। अच्छा, बड़ा अच्छा वीडियो होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। भारत के दो मुसलमान हैं, एक मुस्लिम कंट्री में है दुबई में, और पाकिस्तान से आए शोएब चौधरी उनसे बात कर रहे हैं। अब बड़ी मजेदार ये बातचीत होने वाली है। अब तो जो पाकिस्तान के लोगों को खास तौर पर ये वीडियो देखना चाहिए, और इस वीडियो को भैया शेयर करो लोगों के पास, पाकिस्तानी लोगों के पास, कि वो सुने कि भारतीय मुस्लिम जो हैं वो क्या कह रहे हैं एक पाकिस्तानी को। अच्छा, आपके सिटी से हैं? हमारे सिटी जबरदस्त से हो है। गया। कैसे सीएम है वो? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त चल रहा है उनका काम, बहुत जबरदस्त है। वो बहुत अच्छे सीएम है अभी। चले जी, अच्छी बात है अगर आपके सीएम अच्छे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की मीडिया में जो बताया जाता है वो थोड़ा हट गया। खैर, हम यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से टूरिस्ट, जिसकी वजह से बिजनेसमैन यहाँ पे अट्रैक्ट होता नजर आता है? यहाँ पे पूरी दुनिया से बिजनेसमैन आ रहे हैं। बिजनेसमैन आने का पर्पज ये है क्योंकि यहाँ पे हर चीज की पहली तो ऑनेस्टी है। ऑनेस्ट है यहाँ जो भी गवर्नमेंट है, ऑनेस्ट है सारा चीज। जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए वो गवर्नमेंट वहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड कराती है। उनका जो भी है सारा चीज प्रोवाइडेड जो है, सारा चीज अच्छे से इनको करती है। और किसी को अगर डाउट होता है, किसी के पर्पज है, वो जाते हैं यहाँ पे। रूल एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से तो आप डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट से, जो भी उनकी फैसिलिटीज, जो भी फैकल्टी है उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ करप्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं ये चीज़ है। ये चीज बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए करप्शन ना होना बेटर है। तो यहाँ पे ये चीज प्लस पॉइंट, यहाँ पे करप्शन ना के बराबर। जबरदस्त हो गया। वैसे अगर आपके कंट्री की बात करें, आपका कंट्री भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है, पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया, और भी बहुत सी चीजें। बल्कि आप तो खबर ये आ रही थी कि जो टाटा ग्रुप है आपका, उनकी जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत आगे ग्रो कर चुकी है। ये खबर वायरल है, क्या वजह समझते हैं? मतलब इसकी पाकिस्तान में, और देखिए पहली बात है, जो भी अभी हमारे हुक्मरान हैं इंडिया के, वो अपने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर आप हमको देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी हमको जो भी अपना काम करना, हम इंटरनेशनल मंच उसे प्रमोट कर, और इंटरनेशनल मंच पे हम हर चीज को, अपनी बात को बखूबी दमदार तरीके से हम रखते हैं। हमको जो हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, जो भारतीयों के लिए जो सही है, हमारी गवर्नमेंट उस चीज को करती है और वो चीज को रखती है। हम उस पर, हमको वीजे भी मिलती है, हम चीज उस पर वीजा मिलता है। नो डाउट, अभी यूके ने वीजे दिए हैं, 3000 वीजा दिया। उससे अलावा वैसे भी ईरान की अगर बात कर लें, और भी बहुत से कंट्रीज हैं जो वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। और ये बात कौन कर रहा है, ये देखने वाली बात है। इंडिया से एक मुस्लिम है जो की ये बात करते नजर आ रहे हैं, योगी जी के हवाले से जो उनकी ओपिनियन है, अपने पॉलिटिशियंस के हवाले से जो ओपिनियन है, सोचने वाली है, समझने वाली, हम पाकिस्तानियों के लिए सीखने वाली बात है कि आज अगर हम इधर इंटरनेशनल सिटी में, मतलब दुबई जो है ग्लोबल विलेज है, यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, सभी लोग पीस एंड पॉजिटिव जोन सा वो वे में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके इशू आते हैं। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं यहाँ पे? क्या जॉब? जॉब करते हैं। ठीक है, क्या प्रोफेशन है आपका? हमारा ये जो प्रोफेशन है ऑप्टिकल सेल्स का, हम ऑप्टिकल में ऐसे रहते हैं। जबरदस्त हो गया सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, कोई भी अपनी ओपिनियन की, ये जो सिटी है, मैं इसे सिटी नहीं, इसे ग्लोबल विलेज, मतलब पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे मौजूद है, गाँव है, इंटरनेशनली गाँव है, इंटरनेशनल विलेज है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सभी लोग बिजनेस के लिए आ रहे हैं, सभी लोग, लेकिन इंडिया की अगर बात करें और खास तौर पे गुजरात से बहुत से बिजनेसमैन यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत ज्यादा हैं यहाँ बिजनेसमैन। अच्छा, गुजरात सिंधी हैं और ये गुजराती हैं, ज्यादातर बिजनेसमैन यहाँ। अच्छा, गुजरात के लोग बिजनेस के वाले से मशहूर भी बहुत हैं कि भाई? बेशक बेशक, उन तो आप पाकिस्तान से ही मिलते जुलते हैं, सिंध वाले जो है पाकिस्तान से ही है। ठीक हो गया, उनका पूरा पुराना रिलेशन पाकिस्तान से ही है। ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं एक ऐसे इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान के बारे में, क्या सोच रखते हैं, तो ये जरूर बताइएगा। हाँ। हम लोग एक साथ में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, और पीस। पॉलिटिशियन में सब लफड़ा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक अगर देखें तो हर जगह पे, अगर पब्लिक की बात करें तो किसी भी नेशनल, किसी भी इंटरनेशनल में बात करें,
तो हर कोई कौम अपने मुल्क की तरक्की चाहता है, जहाँ भी रहे पीस रहे, कुछ भी परेशानी किसी ने, हर इंसान एक काम करता है कपड़ा रोजी रोटी और मकान के लिए, जो भी काम करता है अपनी डेवलपमेंट अपनी बेशक के लिए। जैसे पाकिस्तान की अगर मुस्लिम हो वो भी अपने कंट्री के लिए क्या रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी वो रहते हैं, और जहाँ की भी वहाँ की पॉलिटिक्स जैसी है अभी, जैसे आपके जैसे इमरान का जरदारी वाला हिसाब किताब पाकिस्तान में आ रहा तो बहुत इसमें से अगर आप देखे तो भाई वो अभी जनता को वहाँ पे जो पब्लिक है परेशान हाल है, अपने में एक जो अपने में वो सब काम कर रहे हैं जैसे कि अपने पैसे के चक्कर में, अपना डेवलप करने के चक्कर में हो गया में हमारा इंटरनेशनल इमेज क्या है वो सबके सामने। और ये देखें कॉन्फिडेंस चेक करें ये भाई का, और जिस तरीके से ये बात करें विजन रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और पॉलिटिक्स के ऊपर विजन रखते हैं, मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या समझते हैं पाकिस्तान कैसे डेवलपमेंट हो सकता है हम लोगों की सोच में? मेरे ख्याल से लोग तो सभी जगह पे एक जैसे होते हैं, ये थोड़ा बहुत एजुकेशन में फर्क आ चुका है? देखिए पहली बात एजुकेशन में फर्क है, फर्क है एजुकेशन में। अभी अगर पाकिस्तान की बोले तो एजुकेशन बहुत डाउन है। आगे अभी हम लोग यहाँ काम करने के देते मैक्सिमम आपको पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर आपको मिलेंगे, मैक्सिमम लोअर काम करने के लिए मिलेंगे, लेबर क्लास। अब अगर इंडियन की बात करें इंडियन में हर लेवल का आपको मिले, हायर लेवल पे अगर देते तो इंडियन ज्यादा यहाँ पे ठीक है, मतलब टैक्सी भी चलाते होंगे, मतलब होटल में जॉब भी करते होंगे, लेकिन वो ऊपर तक अगर लूलू मार्ट है यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल इंडिया के बहुत हाई है, बहुत हाई है अगर देखे तो पाकिस्तान से बहुत हाई है एजुकेशन लेवल। और बिजनेस में खासतौर पे बिजनेस तो बहुत है, बिजनेस अगर इंडियन लेवल का आप देखे यहाँ पे यूएई में हमको लगता है ज्यादा जो परसेंटेज है इंडियन का कंट्रीब्यूशन यूएई में तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर अभी कैमरा आप अगर इर्द गिर्द में घुमाएंगे तो ज्यादातर लोग आपको इंडियंस लगेंगे यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे पाए जाएंगे कि इंडिया दुबई है, जैसे लगता है कि कराची है इंडिया का, बॉम्बे जैसे दिखता है ऐसे ही है खासतौर पे ये एरिया। क्या भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जैसे आपकी गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है बिजनेसमैन को, जैसे आपके टाटा ग्रुप जिसकी 365 बिलियन की वर्थ हो चुकी है, मैं ये समझता हूँ हमारे लिए तो एक बड़ा हैरान करने वाली बात है, क्या उसकी वजह क्या है? क्या मार्केट बढ़ी है? मतलब कुछ लोग हमें तो पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि भाई इंडिया में ना मार्केट लोग बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, इसलिए यहाँ पे कोई भी बिजनेस होगा जाहिर बात है वो तो ग्रो करेगा। देखिए किसी भी बिजनेस के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीज है इंडिया का। अगर आप टाटा की बात करते हो, उनकी जो भी टाटा ग्रुप है, जो भी हमारे अंडानी और अंबानी का जो ग्रुप है, तो क्या वो स्टार्टिंग से एक लेवल पे बेसिक से वो काम कर रहे हैं, तो आज के लेवल पे अगर उनको देखेंगे तो आज जो पोजिशन वो गेन किया, जो पोजिशन आज गेन किया वो आज नहीं हो कि 2 दिन से काम किया 10 दिन से काम किया, वो देखो तो 50-100 साल से काम करते हुए। जैसे टाटा की बात करें जो अंडानी जहाँ हमारे धीरू भाई अंबानी थे जो उनके अभी वो काम किया, फिर उनके जो लड़के हैं अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो ज्यादा नहीं, मुकेश अंबानी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, अब उनके लड़के वो चीज को ग्रो कर रहे हैं, रिलायंस देखे हर चीज में है, अंबानी का जितना भी ग्रुप है हर चीज में वो बढ़ते जा रहे हैं, अडानी का देखिए हर चीज बढ़, तो ये क्या है इनका क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो भी इकोनॉमिक चीज है ये जब ये सब ग्रो करता है तो आपकी इंडिया की इकोनॉमी भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो भी ग्रो करती है उसके, जब ये सारी चीज ग्रो करती है तब कोई भी कंट्री ग्रो करता है ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री का अगर बिजनेसमैन डेवलपमेंट की तरफ जाएगा उसकी वर्थ बनेगी, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कंट्री की भी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी। इस टाइम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडियन बिजनेसमैन टाटा हो या दूसरे, मतलब ये कि अडानी अंबानी की जो खरीद चुके हैं हाँ वो बेशक बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत उनका वर्क ठीक है। पाकिस्तान के साथ आप एक एज ए मतलब इंडियन अगर मैं बात करूँ कोई ट्रेड करना चाहते हैं रिलेशन बेहतर, आप कहते हैं कि भाई जो है हम अपनी साइड पे रहे आप अपनी साइड पे रहे बस ठीक है, क्या सोच सच बताइएगा जो मतलब आपकी सोच। अब ये देखिए ये जो भी लेबल ये सब बात है हम और आप बात करें इंडियन पब्लिक बात करें पाकिस्तानी पब्लिक का, तो ये हम दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता सर, हम नहीं देखिए बस ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो उनको ऑलरेडी खुद आगे इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए कि आप, लेकिन कुछ अब आतंकवाद का गया पुलवामा वो सारे चीज केस आ जाते हैं तो सिंपल सी ऐसी बात आती है तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा नहीं। ये देखें मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी दोनों एक समझदार भारतीय से आप बात करेंगे तो आपको इस वाले सवाल का जवाब आपको वही देगा कि आपके पीस फैलाने से और मेरे पीस फैलाने से पीस नहीं फैलता है, पीस पॉलिसी से फैलता है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से फैलता है, गवर्नमेंट की रिश्ते से फैलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना देखिए मुझे अपना देखने दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जब तक उधर से हमारा एक स्टैंड क्लियर है गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकते।
आप उधर से आतंकवादी कार्रवाई करेंगे और चाहेंगे कि इधर से दोस्ती हो जाए, नहीं हो सकती। हमने 76 ईयर्स में करके देख लिया और नहीं करना। आप दोनों साइड से जो डाउट्स हैं, खास तौर पे अगर इंडिया वालों का ये कहना रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या इन चीजों के ऊपर, तो वो चीजें ना सिर्फ कहें कि भाई हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली सबूत दें कि भाई अब हम इन चीजों से आगे बढ़ चुके हैं। ये चीज आपने ठीक है, बिल्कुल ठीक कही कि भाई जो इश्यूज हैं दोनों साइड पे, जो क्लेम किया जाता है, जो मतलब दोनों साइड से एक स्टेटमेंट दी जाती है, वो जब तक क्लियर नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे रिलेशन। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं ऐसे पाकिस्तानी क्या सोच रखता हूँ, आप ऐसे पाकिस्तानी एज ए इंडियन क्या सोच रखते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब लेट्स सपोज ये इश्यू सब सॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर आप क्या चाहेंगे? ट्रेड हो, ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, कुछ भी ग्रो करे, तरक्की होगी दोनों देश के लिए, तरक्की ट्रेड होगा दोनों देश के लिए, तरक्की होगा। ठीक है, उधर पाकिस्तान से इंडिया भी आते हैं, इंडियन उधर भी जा सकते हैं, फिल्म का शूटिंग वगैरह भी जाते होते थे, ऐसे भी बहुत ऐसे इसमें ऐसे ही है। पाकिस्तान से कोई एक या दो नाम जो आपको पता हो कि यार लेट्स सपोज पॉलिटिक्स में आप एक, अगर मैं पूछूं कौन आपको वहां पे आप देखते हैं या जिनका पता है, अगर हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर आपसे किसी एक्टर या एक्ट्रेस का पूछूं तो आप क्या नाम लेंगे? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया में कौन से एक्टर पाकिस्तानी फेमस हैं या कौन से पॉलिटिशियन फेमस हैं? सिंगर में फेमस कौन है? कौन सिंगर का बता दें? आतिफ असलम है और ये सब, और आप ये बता तो रहे, ये सब है। ठीक है, अब पॉलिटिशियन में इमरान खान को मैं तो लाइक करता हूं। और आप? बेशक इमरान खान भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम, मतलब ये कि देखे वहाँ पे पॉपुलर जो है वो इमरान खान है, अच्छा काम कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो तो जाहिर बात है पाकिस्तान के लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग तो मीडिया पे जो चीजें देखते हैं वही इन्हें पता है। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके मेरे भाई, और बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज एंड पे आप देना चाहें, यूथ हमें देखती है पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत ज्यादा लोग हमें देखते हैं, कोई मैसेज आप अगर देना चाहें पॉजिटिव या कुछ भी? देखिए हमारा इंडिया के वसुंधरा कुटुंबकम, वसुंधरा कुटुंबकम का मतलब ये होता है जो वसुंधरा ये कुटुंबकम पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। हमारी इंडिया जो जो हमारा कल्चर चलता है यही है। ठीक हो गया कि सारा दुनिया हमारी एक परिवार की तरह है और सभी मिलजुल सभी मिलजुल के रहे, मोहब्बत से रहे और क्या चीज़। ठीक हो गया, आप कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों को ओवरऑल? जैसे वो एक्चुअली वसुधैव कुटुंबकम है, वसुंधरा हम धरती को कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये पूरी धरती एक कुटुंब मतलब परिवार है। जैसे हम इस सिटी में इस कंट्री में दुबई की अगर बात करें, यहाँ पे मिलके रह रहे हैं, ये इंडियन बैठा है, ये पाकिस्तानी बैठा है, और ये बहुत कि इंडियन पाकिस्तान कौन है, ऐसे ही है। जब कोई परिचय करता है तभी मालूम चलता है कि इंडियन है कि पाकिस्तानी है, या तो लैंग्वेज से पता चल जाता है। वो इसलिए ठीक से है क्योंकि वहां कानून दुबई का है, वहां कानून पाकिस्तानी नहीं है, कानून दुबई का है और यहां पर कानून की चलती है इसलिए, वरना जिस दिन पाकिस्तानियों को ये पता चल जाए कि नहीं नहीं ये कानून हमारे पाकिस्तान टाइप का कानून हो गया है, थोड़े से पैसे निकालो काम कर लो कोई बात नहीं हम अपनी चौड़ में दिखा देंगे, उस दिन से वहां पर कबाड़ होना शुरू हो जाएगा, चल जाता है। वैसे तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि एक लैंग्वेज से पता चल जाता है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा उर्दू लफ्ज यूज करते हैं तो थोड़ा सा उसमें तो थोड़ी सी पता चली जाती है। मैं कहता हूं देखिए आपको बताते हैं या इस तरीके से आप बात करेंगे तो थोड़ा सा आप हिंदी बोलते हैं, हम वो उर्दू थोड़ा सा बस सिमिलर बोले तो सिमिलर ही है, हिंदी और उर्दू में ज्यादा कुछ समझ तो आती है ना। एटलीस्ट बात मकसद ये है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपको समझ आ रही है, आप जो बात कर रहे हैं मुझे समझ आ रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, खास तौर पे मैं इनके थ्रू या ओवरऑल अपने तौर पे ये कहना चाहूंगा कि हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया अगर पॉजिटिव रोल प्ले करे, हमारे पॉलिटिशियंस अगर अपनी गलतियों को माने, उन गलतियों को खत्म करें और अपने रिलेशन पूरी दुनिया के साथ बेहतर करें, तो हमारे यहाँ पे भी टाटा हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी अंबानी हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान में हो सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। मजीद भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, बहुत शुक्रिया। होने को बहुत हो सकता है, मैं मार्स पर जा सकता हूँ, मैं चांद पर अपना घर बना सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं एक प्राइवेट जेट का मालिक हूँ, तो कुछ भी हो सकता है सर। सोचने में ना पैसे लगते हैं ना आइडिया के लिए दिमाग खर्च करना पड़ता है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या उसके संकेत मिलते हैं। लाइक जैसे बारिश होने वाली होती है ना, तो सबसे पहले थोड़ी हवाएं हवाओं का रुख बदल जाता है, फिर धीरे धीरे बादल आने शुरू होते हैं, तो आदमी समझ जाता है कि बारिश होने वाली है, मौसम में ठंडक होने लगती है तो आदमी पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, तो वो संकेत दिखने चाहिए। टाटा अंबानी पाकिस्तान में बन सकते हैं लेकिन इसके संकेत तो दिखे, संकेत दिखते ही नहीं है, वरना 76 ईयर्स का वक्त कोई छोटा सा वक्त तो नहीं है।
टाटा अंबानी पैदा करने के लिए। अंबानी को बने हुए कितने साल हुए, अडानी को बने हुए कितने साल हुए, चलिए टाटा को छोड़ दीजिए 150 साल से ज्यादा हो गए, वो पिछले में थोड़ा हिसाब मेरा गड़बड़ा गया था, 150 साल से ज्यादा हो गए टाटा को बने, अंबानी और अडानी तो अभी है ना। महिंद्रा को देख लीजिए, मारुति को देख लीजिए, हीरो को देख लीजिए, ये सब तो अभी आए हैं, मतलब नए हैं, यंग हैं, आजादी के बाद आए हैं, और सबका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। प्रिया जी अच्छा लगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको भी वीडियो बात करेंगे जी आप? ये बात करेंगे नहीं, अगर इजी इजी नहीं, आप बात करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, क्या बात है, क्या के लिए बात? आप कहाँ से हैं? नहीं बात क्या है, बात ऐसी ओवरऑल, यहाँ पे हम विजिट के लिए आए हैं, यहाँ पे लोगों को मतलब लोगों से पूछ रहे हैं कि ये सिटी कैसा है, दुबई कंट्री कैसा है, यहाँ पे सभी लोग चाहे इंडिया से हो पाकिस्तान से हो मिलके रह रहे हैं, इसके ऊपर बात करें अगर आप करना चाहें तो। केरला है। अच्छा आपका नाम क्या वैसे? मैं ये भाई से मिला और मैं खुद बहुत हैरान रहा, सरप्राइज रहा, ये एक बिजनेसमैन है, ये कोई टूरिस्ट या कोई जॉब नहीं ढूंढ रहे, बिजनेसमैन है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्या इनका नाम है, यहाँ पे कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब बातें इनसे करेंगे। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम तनवीर है, तनवीर रहमान लश्कर। ठीक है, और कहाँ से है तनवीर भाई? मैं हूँ कोलकाता से। ठीक है तनवीर भाई, साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं और साथ में हम थोड़ा घूमते भी हैं, थोड़ा देखते हैं व्यू यहाँ का। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कोलकाता से आप ठीक हो गया, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि वहाँ पे जो हमें पाकिस्तान के मीडिया पे बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि आप किस प्रोस्पेक्टिव से भाई सब मिल के रह रहे हैं, मोहब्बत के साथ रह रहे हैं? ये जो बेसिक चीजें हैं ये सब कुछ जो है पॉलिटिक्स है, ठीक ये है। वो हुक्मरान वगैरह अपने फायदों के लिए ये करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप अगर दुबई में आए कोई आप लोग, तो आप लोग देखोगे जो हॉस्टल है, हॉस्टल में कोई रह रहा है या फिर होटल्स में रह रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी चाहे पूरी दुनिया का सारे लोग सब लोग एक साथ आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो मतलब गोल्ड फूड चल रहा है, तो गोल्ड फूड के टाइम में सब लोग सारा होटल फुल है सब कुछ, और सब मिलजुल के रह मिलजुल के रह रहे हैं, क्योंकि होटल नहीं मिल रहा तो हॉस्टल में रह रहे हैं। मैं जिस हॉस्टल में रह रहा था क्योंकि मुझे होटल नहीं मिला, वो कैंसिल हो गया था, तो वहाँ पर पाकिस्तानी है, वहाँ पर सब लोग हैं, सब लोग हैं। अच्छा बिजनेस आपका क्या है? मतलब जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने मुझे हेल्प भी किया है, मेरा सूटकेस का लॉक हो गया था, उन्होंने मुझे हेल्प किया, मेरा ओपन हो गया, ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। जबरदस्त, बहुत अच्छा जी। अच्छा ये बताएं, नहीं अच्छा लगा, मतलब नहीं अच्छा है, सही है, ताला खोल लिया बिना चाबी के, नहीं सही है। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं आपकी प्रोडक्ट क्या है जो आप मतलब यहाँ पे जिस हवाले से बिजनेस के लिए आए हैं? जी मेरा, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मेरा जो कंपनी है मैं उसका डायरेक्टर हूँ। अच्छा जी जी जी, जबरदस्त। मेरे पास साथ मेरे पार्टनर्स भी हैं। ठीक है, तो भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है जी, भाई अपना कंपनी चला रहा है, कंपनी का डायरेक्टर है, बिजनेस करने दुबई गया, भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है जी। ये पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूँ मैं, भारतीयों को पता है, भारतीय मुसलमानों को भी पता है, भारत के लोगों को भी पता है, पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूँ ये जुल्म। तो हम लोग जो है फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स पे डील करते हैं, जबरदस्त, और भी जो है हम लोग गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और जो है हम लोग सीसमी सीड जो सादा तिल हो गया उसका ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। अच्छा अभी खबर ये भी थी जिसके हवाले से भाई से पूछता हूँ कि टाटा ग्रुप जो कि इंडिया का सबसे बहुत बड़ा एक मतलब बिजनेस ग्रुप है, वो उनकी नेटवर्थ इतनी हो चुकी है कि शायद इंडिया पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है उससे ज्यादा है, ये खबर चल रही थी। क्या इंडिया में बिजनेस बहुत ज्यादा मतलब जो उनसे वो स्टार्ट किए जा रहे हैं कि रिसेंटली जो मतलब जो पॉलिसीज बन रही हैं इंडिया में वो बेस्ड ऑन लाइक दे वांट टू ग्रो यू नो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इंडिया भी बेसिकली आप अगर कुछ दिनों से देखें तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट जी सऊदी अरबिया जैसे वो लोग ग्रो कर रहे हैं टूरिज्म में, वो लोग ऑयल से जो है अपना डिपेंडेंस हटा रहे हैं, ठीक है, सेम इंडिया भी जो है अभी आगे जा रहे हैं आगे, नो डाउट। और स्पेशली हमारा गवर्नमेंट जो है हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग हमको सब्सिडी दे रहे हैं क्योंकि हम लोग मुल्क में डॉलर ला रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद, तो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रहे हैं, हमको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपो में, या फिर इनफैक्ट ये जो गोल्ड फूड का इवेंट हुआ इसमें भी गवर्नमेंट ने 50% वो लोग पे कर रहे थे, आप अगर लगाओ तो। ये मतलब मेरे लिए हैरान करने वाली बात है कि मतलब
इंडिया की जो गवर्नमेंट है, आपका फ्लाइट फ्री, सब कुछ फ्री, आप अगर स्टॉल लगाओ, आप बायर्स लाओ, आप एक्सपोर्ट करो, आपको जो है आप बुल्क में डॉलर लाओ, आपको गवर्नमेंट आपको साथ दे। जबरदस्त, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के कंट्रीज में होनी चाहिए। और खासतौर पर मैं वहां पर ये नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू हो तभी जाओगे और मुसलमान हो तो नहीं जाओगे। मेरा पॉइंट समझिए, आप लोग जिस चश्मे से भारत को और भारत के खासतौर पर मुसलमानों को देखते हैं वो चश्मा गलत है। ये भारत का तीसरा मुसलमान है जो बता रहा है दुबई में, तीसरी कंट्री में, कि देखो हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या हमें सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह का सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं होता। इसीलिए तो यहां पर हम सब मिलकर 140 करोड़, इसमें सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, थोड़े मोड़े लफड़े हैं चलिए वो छोड़ दीजिए, मेजोरिटी देखी जानी चाहिए कि क्या होता है, इसीलिए कंट्री हमारी ग्रो कर रही है। मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपको देख के कि जितनी यंग एज में आपने ये प्रॉपर एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया है और यहाँ मतलब फॉरेन कंट्रीज में आके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को मजीद प्रमोट कर रहे हैं। क्या समझते हैं आने वाले 5-10 साल बाद पाकिस्तान का या इंडिया की खासतौर पर अगर बात करते हैं यूथ की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया को, ओवरऑल इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की इकोनॉमी को क्या कहेंगे? आई थिंक जो लोग, जो देसी लोग होते हैं मेनली पाकिस्तानी इंडियंस और बांग्लादेशी लोग, सब लोग इक्वली हैं, ठीक है, ठीक है, तो उन लोग थोड़ा जुगाड़ू हैं, थोड़ा फास्ट है। अच्छा, कंपेयर टू एवरीबॉडी, देखिए अगर चाइना में अगर कोई चीज चाहिए, कोई चीज बनना होता है, हाँ, तो वो लोग डेडिकेशन लगाते हैं कि हमको ऐसे ऐसे चाहिए, ये सिस्टम चाहिए, ये मशीन चाहिए, फिर ये बनाए। ठीक हो गया। इंडिया लोग, ये लोग बेसिक पीपल क्या करते हैं, वो लोग जुगाड़ू होते हैं। ठीक हो गया। तो वो लोग कम से कम चीज में उन चीजों को मतलब बना देंगे, मैन्युफैक्चर कर देंगे, जुगाड़ू होते हैं ना, इसलिए। सो यंगस्टर लोगों का तो अभी मतलब और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ गया क्योंकि इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी चीजें सामने आ चुकी है। अच्छा, जो यूथ है ओवरऑल कहीं से भी आपको देख रही है, जो उर्दू समझती है, हिंदी समझती है, क्या एज ए बिजनेसमैन क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जितने भी लोग देख रहे हैं? सबको यही कहूंगा कि आपके लिए जो है बहुत मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है अभी, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट ओपन है, आपको नॉलेज का कोई कमी नहीं है। देखो हम लोग भी बहुत कुछ साल पहले तक हमको कोई नॉलेज नहीं था कैसे इंटरनेशनल ट्रेड करना है, कैसे सब्सिडी लेना है, कैसे मतलब फेयर्स में जाना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, ये सब कुछ आप इंटरनेट से सीख सकते हो आज की दुनिया में, ठीक है। और बल्कि मैं इनकी इस बात से बहुत हैरान हुआ हूँ, मैं बल्कि पूछना चाहूंगा इधर इस साइड पे अगर आ जाए कि क्या आप समझते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आपने बताया कि आपके होटल की जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट दे रही है, आपको टिकट शायद हाफ दे रही है, हैरान एग्जीबिशन जो लोग स्टॉल ले रहे हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट फुल्ली फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका 50% स्टॉल का, ठीक है, लाइक 10 लाख लगते हैं तो 5 लाख गवर्नमेंट आपको दे रही है, होटल भी आपका फ्री हो जाएगा, फ्लाइट भी फ्री हो जाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो आपको फुली सपोर्ट करने के लिए रेडी है क्योंकि आप डॉलर ला रहे हैं। आप देखिए इससे अभी देखने में यही होगा कि भाई बिजनेसमैन को सपोर्ट किया जा रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एट द एंड फायदा इंडिया को भी होगा, इंडिया की गवर्नमेंट को भी होगा। जब यहाँ से ये कोई कामयाब डील करेंगे, कोई प्रोजेक्ट लेके अपने कंट्री में जाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वर्क करेंगे, तो कितना फायदा, कितना डॉलर इंडिया में जाएगा, ये चीजें। बिल्कुल यही होता है और यही एक किसी भी कामयाब देश की निशानी है कि यहाँ का जो, वहाँ का जो यंगस्टर हो वो सोच रहा हो, वो आइडियाज निकाल रहा हो, वो इनोवेट कर रहा हो। अच्छा, मैं इसका एक सबसे बड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ। हर वो पाकिस्तानी जो मेरा वीडियो देख रहा है, आप जाकर शार्क टैंक इंडिया देखो, शार्क टैंक इंडिया देखो, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का यूथ और यहाँ के लोग किस लेवल पर पहुंच गए हैं और वो क्या कर रहे हैं। आपको ऐसी ऐसी इनोवेशंस मिलेंगी, ऐसी ऐसी कंपनीज लोगों ने बनाई है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, और वो करोड़ों करोड़ का बिजनेस कर रही है, सैकड़ों लोगों को उन्होंने नौकरी दे रखी है, रोजगार भी आ रहा है, बिजनेस भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, डॉलर्स भी आ रहे हैं, कमाई भी हो रही है, देश ग्रो कर रहा है। मैं तो हर पाकिस्तानी को कहता हूं जाकर शार्क टैंक पोर्न ऑन देखना छोड़ो, आप लोग मशहूर हो इस चीज के लिए, उसको छोड़ो, शार्क टैंक देखो, शायद कोई भेजे में बात घुस जाए, वहां से आपको आइडिया लगेगा। और वहां भी शार्क टैंक में आपको नजर आएंगे, हिंदू नजर आएगा, सिख नजर आएगा, मुसलमान नजर आएगा, क्रिश्चियन नजर आएगा, जैन नजर आएगा, हर कोई नजर आएगा शार्क टैंक में आपको। वो इसलिए नजर आएगा क्योंकि हम सबको बराबर का मौका देते हैं, बराबर के राइट्स देते हैं, किसी को किसी चीज के लिए महरूम इसलिए नहीं किया जाता कि वो किसी और रिलीजन से ताल्लुक रखता है, जैसा कि आपके यहां किया जाता है पाकिस्तान में। सुनकर आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन सच्चाई है, सुननी पड़ेगी आपको।
और इंटरनेट का फायदा मैं बताता हूँ। इन्होंने जो बात कही ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शार्क टैंक देखो। दूसरा, जो भाई ने बात कही ना कि इंटरनेट है, यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत पहले जान लिया है, समझ लिया है, और हम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको, शायद हो सकता है आपको विश्वास ना हो, बिजनेस की कई बारी की, अब मैंने भी कंपनी खोली है, साल डेढ़ साल से चला रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। मैं यूट्यूब से देख देख कर सीख रहा हूँ, वहाँ पर चीज़ें क्लासेस ले रहा हूँ या वहाँ से चीज़ें देख रहा हूँ, जो समझ नहीं आता उसके बारे में टर्मिनोलॉजी को पढ़ता हूँ, समझता हूँ। दूसरी बात, मैंने तो स्विमिंग जो है ना वो इंटरनेट से सीख ली। अब आपको लगेगा कि ये मजाक बना रहा है, नहीं, ये बात सच है। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मतलब 4-5 साल पहले, तो हमारी सोसाइटी का पूल है तो उसमें मैं देखता था यार स्विमिंग तो आ नहीं रही, क्या करूं, छोड़ो। तो मैंने क्या किया कि भाई फिर इंटरनेट पर मैंने स्विमिंग करने के लेसन्स मैंने देखे, तो 2-3 लेसन्स मैंने सीखे और वो जाकर मैंने आजमाया स्विमिंग पूल में, और 1 घंटे के अंदर मैं तैर रहा था, और अब मैं आराम से तैर लेता हूँ। करीब करीब 40-45 मीटर का स्ट्रेच है जो हमारा पूल का है, आराम से यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो देखिए, मैं फिर कहता हूँ, छुरी बनाई गई है तो उसका काम आप पॉजिटिव में कर सकते हैं कि सब्जियाँ काटिए, सब्जी बनाइए, नेगेटिव ये होगा कि उससे किसी का गला काट दीजिए। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप उस छुरी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं। तो हम पॉजिटिव साइड में कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ज्यादातर नेगेटिव साइड में कर रहे हैं। मतलब एग्जांपल देने का मतलब नहीं कि गला काट रहे हैं, गला तो काट ही नहीं, खैर मेरे कहने का मतलब हर चीज के दो पहलू हैं, उसका पॉजिटिव भी है, उसका नेगेटिव भी है। तो हम उसके पॉजिटिव साइड को देखते हैं, आप नेगेटिव साइड को देखते हैं, और इसलिए देखते हैं क्योंकि बचपन से आपके अंदर नफरत भरी गई काफिरों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, सबके खिलाफ। तो जब आप बचपन से किसी के जहन में आप नेगेटिविटी भरते जाएंगे तो ऑलवेज वो नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो छुरी से सब्जी नहीं काटेगा, वो गला काटेगा छुरी से। एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर है और आगे बढ़ाना आपके ऊपर है। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि बड़ा मजा आया और भारत के मुसलमानों की बात आपने सुनी। अब आप तय कीजिए कि क्या वाकई भारत में मुसलमान मजलूम है, क्या उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, क्या उसको राइट्स नहीं दिए जाते। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।